दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एमएस क्रिको तंत्र पर आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज अब समाप्त हो चुकी है। इस सीरीज में भारतीय टीम की ऐसी दुर्दशा हुई कि कोई सोच भी नहीं सकता था। फर्स्ट के 2 मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने लगातार 2 मैच जीतकर सीरीज में वापसी कर ली थी, लेकिन आखिरी और फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को क्या सूझी कि टॉस जीतकर पल्ले बल्लेबाजी चुनी और भारतीय बल्लेबाजों की ऐसी दुर्गति हुई कि भारतीय टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर नहीं सकी और नंबर 1 मानी जाने वाली भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के हाथों 8 विकेट की एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी और इस सीरीज में भारतीय टीम को 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 16 सालों बाद वेस्टइंडीज ने 5 मैचों की किसी भी सीरीज में भारतीय टीम को हराया है। वेस्टइंडीज दौरे के बाद अब टीम इंडिया का अगला मिशन आयरलैंड है, जहां आयरलैंड में भारतीय टीम को 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। ये सीरीज भारतीय टीम के लिए काफी अहम है क्योंकि इस सीरीज से फ्यूचर से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया आयरलैंड के लिए रवाना हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो में आगे दिखाऊंगा आयरलैंड के खिलाफ होने वाले T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया का फुल स्क्वाड और कब से ये मुकाबला शुरू होगा, ये सभी मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा। उसके लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको क्या लगता है, आज के टाइम में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में से सबसे खतरनाक बॉलर कौन है? आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए लंबे समय बाद वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया है। लंबे वक्त के बाद वापसी कर रहे बुमराह के लिए एशिया कप 2023 से पहले उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होगी। यहां उनकी मैच फिटनेस का पता चलेगा। इसके अलावा कई युवा खिलाड़ी हैं जिन्हें इस सीरीज में खुद को साबित करने का मौका मिलेगा, वहीं कुछ खिलाड़ियों का इंडिया की जर्सी में मैच खेलने का सपना पूरा होगा। दूसरी ओर संजू सैमसन के लिए अपने आप को साबित करने का आखिरी मौका होगा। सैमसन वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में फ्लॉप रहे थे, अगर वो आयरलैंड के खिलाफ भी नहीं चले तो फिर उनका टीम से पत्ता कट सकता है, जबकि इस सीरीज में 3 खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इनमें 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें डेब्यू का मौका मिल सकता है। इनमें प्रसिद्ध कृष्णा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा शामिल हैं। रिंकू सिंह और जितेश शर्मा ने आईपीएल 2023 में कमाल का प्रदर्शन किया था। ये दोनों ही खिलाड़ी अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। रिंकू सिंह ने तो अपनी पहचान मैच फिनिशर के रूप में बनाई है, तो वहीं जितेश शर्मा तूफानी बल्लेबाजी का मुजहरा पेश कर चुके हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत के लिए वनडे क्रिकेट तो खेला है लेकिन T20 क्रिकेट में उन्हें पहली बार आजमाया जा सकता है। इस सीरीज की शुरुआत 18 अगस्त से होने जा रही है, जब पहला मुकाबला खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला 20 अगस्त को, जबकि तीसरा और आखिरी मुकाबला 23 अगस्त को खेला जाएगा। सभी मुकाबले डबलिन के मैदान पर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। बात करें भारतीय टीम के फुल स्क्वाड के बारे में तो जसप्रीत बुमराह कप्तान होंगे, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को उप कप्तान बनाया गया है, जबकि इस साल आईपीएल में धमाल मचाने वाले शिवम दुबे, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा और जितेश शर्मा को टीम स्क्वाड में शामिल किया गया है। इनके अलावा वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, रवि बिश्नोई, हर्षदीप सिंह, मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।